कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपके जो सेक्शन डी पार्ट है, सेक्शन ए में मैंने अनसीन पैसेज की आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई, नोट मेकिंग की करवाई है, साथ में सेक्शन सी जो 10 मार्क्स का है ग्रामर पोर्शन, उसके भी वीडियो मैंने आपको भेज दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसको बहुत अच्छे से लर्न कर रहे होंगे। और आज मैं आपको सेक्शन डी में इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, अर्थात आपके लेसन में से जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, जैसे हम अनसीन पैसेज करते हैं उसी प्रकार से आपसे लेसन वाले जो एक्सट्रैक्ट है उनके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर हल करेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी 3 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों पोर्शन आएंगे, एक प्रोज का लेसन का एक्सट्रैक्ट आएगा और एक पोएम का एक्सट्रैक्ट आएगा, लेकिन आप ये मत सोचना कि ये अथवा में है। कई बच्चे क्या करते हैं, एक करके और दूसरा छोड़ के चले आते हैं कि ये ऑप्शन में, लेकिन आपको लेसन का एक्सट्रैक्ट भी अच्छे से करना है और पोएम का एक्सट्रैक्ट भी पूरा करना है। पहला देखते हैं, टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट बट नोबडी नॉट इवन पैगी एंड मैडी द गर्ल्स who started all the fun noticed her absence. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब ये वांडा पेट्रोंस्की के बारे में एक ये लेसन आपको हमने पढ़ाया था, उसी का एक्सट्रैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। Where did Wanda sit in the classroom? A in the front seat, B in the last seat, C in the middle seat. हमने देखा था ना लास्ट सीट, तो आएगा आंसर B in the last seat. क्वेश्चन नंबर 2। The adjective form द वर्ड एबसेंस, एबसेंस का एडजेक्टिव क्या होगा, ए एबसेंट, बी एबसेंटली, सी एबसेंटी, तो राइट है इसका, एबसेंस का एडजेक्टिव होता है एबसेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, ये किस लेसन से लिया गया है, वांडा पेट्रोंस्की ने क्या किया था, 100 ड्रेस डिजाइन की थी, उसी से है ये। तो ए है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड, B the 100 dresses, C black aeroplane. तो राइट आंसर है the 100 dresses 1. Extract number 2. The moon coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holidays and looking forward to being with my family. I looked at my watch at 1:30 in the morning. I should call Paris control soon, I thought, as I looked down past the nose of my aeroplane. I saw the big lights of a big city in front of me. अब यहाँ पर ये फ्लाइट और एरोप्लेन इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, उस समय जब पायलट ने एरोप्लेन उड़ाना मतलब चलाना चालू किया तो उस समय का वेदर कैसा था, उड़ान भरना चालू किया तो वेदर कैसा था, ए क्लाउडी, बी क्लियर, सी फॉगी। सिंपल सी बात है कि कोई तभी एरोप्लेन फ्लाइट में ले जाएगा जब वेदर कैसा होगा, क्लियर होगा, तो इसका राइट आंसर है बी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, पायलट कहाँ से लौट रहा था, तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, इसमें आंसर देखें ए इंग्लैंड टू फ्रांस, बी फ्रांस टू इंग्लैंड, सी न्यूयॉर्क टू पेरिस, इसका राइट आंसर है, हमने यहाँ पैसेज में देखा फ्रांस टू इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, ए लेटर टू गॉड, B his first flight, या C black aeroplane, चूंकि aeroplane शब्द आया है
इसलिए हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है, जो लेसन है, वो कौन सा है? ब्लैक एरोप्लेन। एब्स्ट्रैक्ट को समझते समय हमें थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तब हम इसके आंसर्स कर पाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नंबर 3, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब यहाँ पर Lencho शब्द आया है ना, तो क्वेश्चन देखें पहला, From which lesson has this text been taken? A. A letter to God. B. His first flight. C. Black aeroplane. तो यहाँ पर Lencho, हमने बहुत अच्छे से lesson वन है और इसका नाम है अ लेटर टू गॉड। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज Lencho's हाउस सिचुएटेड? ए एट द फुट ऑफ अ हिल, इन द विलेज, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो यहाँ पर दिया है ना क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, द Lencho's हाउस सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड आउट द वर्ड From the above passage, which is similar to the word closely. A promised, B dotted, या C intimately. यहाँ पर जो word आया है वो है intimately, यानी बहुत पास से, बहुत करीब से. Abstract number 4. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away Another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. अब यहाँ ह्यूमैनिटी से रिलेटेड शब्द आ रहा, ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर से संबंधित आ रहा, इसका मतलब ये जो लेसन है वो 2 है, नेल्सन मंडेला से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन? ए जी एल फ्यूंटेस, बी अनूप कुमार दत्ता, सी नेल्सन मंडेला। सो द राइट आंसर इज नेल्सन मंडेला। इसके जो राइटर है वो कौन है? नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ सुपीरियरिटी, अ प्रिजनर ऑफ सेल्फ वैल्यूड, अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। तो यहाँ पर लिखा है अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। सो सही आंसर क्या होगा इसका? अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट व्हिच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड। वाइड का अपोजिट, वाइड का अर्थ होता है विस्तृत, फैला हुआ। ए देखो लिबरेटेड, बी नैरो, सी रॉब्ड। वाइड यानी फैला हुआ, तो उसका अपोजिट संकुचित यानी नैरो हो रहा है इसका। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नंबर 5 पे। टेंथ में, डाउन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। द इनॉग्रेशन would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन? अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका, इनॉग्रेशन, ये सब आ रहा, तो लेसन कौन सा है? ए है अ लेटर टू गॉड, बी हिज फर्स्ट फ्लाइट, और सी है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पर फ्रीडम शब्द और ये सब आ रहे हैं ना, तो इसका सही आंसर है नेल्सन मंडेला
long walk to freedom. Question number 2. In the above text, I refers to. यहाँ पर I किसको reference कर रहा है? A. G.L. Fuentes, B. Anup Kumar Datta, C. Nelson Mandela. तो चूंकि ये I यहाँ पर Nelson Mandela को refer कर रहा है. C. The ceremony took place in. Ceremony कहाँ हो रही थी? तो ceremony हो रही थी Pretoria में. ये लिखा है ना? तो answer इसका हो जाएगा Pretoria. अब देखते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 6. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माय चिन इन माय हैंड्स बोर्ड एंड लिस्टलेस वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. यस, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff bagged notebook, vainly referred to as a diary. Unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. अब यहाँ पर diary वाला शब्द आया, ये अपन को ध्यान देना. Question 1. From which lesson has this text been taken? A. Black aeroplane. B. From the diary of Anne Frank. C. His first flight. So right answer kya hua iska? From the diary of Anne Frank. Question number 2. Who has more patience than people? Yahan likha hai na? Paper has more patience than people. So right answer iska kya ho jayega? B. Paper. Question number 3. Which of these words is similar to the word brooding? Brooding ka matlab kya hoga? A. Happy. बी थॉटफुल या सी वॉन्डरिंग. तो ब्रूडिंग का मतलब होता है थॉटफुल. तो बच्चों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट प्रोज एक्सट्रैक्ट. इससे बहुत जरूर से आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे बोर्ड एग्जाम में. आप इनको बहुत अच्छे से लर्न करिए.